Faccio il bilico di miau. Oh, okay. Dari lagi? Ha, dari lagi terle. ये देखें जी, अभी है तकरीबन सुबह 7:30 बजे का टाइम हुआ था और इतनी तेज़ बारिश आई. आज स्कूल का पहला दिन था आसम का. पहले उसकी यही कोशिश थी ना कि बाइक पे जाए, तो लेकिन जी मौसम की सूरत हाल देख के ना हमने कहा नहीं भाई, तुम तो रिक्शे पे ही जाओ. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप सब ठीक होंगे? तो आज मैं बना रही हूँ जी आलू के पराठे. आज बहुत सुबह बारिश हो गई थी, अभी ना बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था. तो कल मैंने बनाया था चिकन का सालन और वो मेरा ख़त्म हो गया था. अक्सर ही आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं जो भी खाना शाम को बनाती हूँ ना, तो वो ख़त्म हो जाता है. तो आज तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ. अभी सब्ज़ी वाले का भी टाइम नहीं था. आज सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश होगी, पता नहीं उसने आज आना भी था कि नहीं. गाँव में ना ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है ना, तो ये जो रास्ते होते हैं ना, जो ख़राब हो जाते हैं, तो फिर अक्सर ही सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले हमारे गांव में नहीं आते. तो आज भी मुझे कुछ इतनी ख़ास उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा सब्ज़ी वाला. तो बस जी, इतनी ज़्यादा पिछले दिनों गर्मी हो गई थी, गर्मी तो आज भी है, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ा है कि अभी ताज़ा बारिश हो के हटी थी. और तो फिर मुझे कुछ ख़ास समझ आया नहीं, तो मैंने फिर ना आलू बॉयल करने के लिए रख दिए. और वो भी ना ऐसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे खाएंगे भी कि नहीं, और तो मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं. तो बस मैंने आलू बॉयल किया, उनका मसाला बनाया. इतनी देर में आसम भी वापस आ गया था स्कूल से. इतनी ज़्यादा उसको भूख लगी थी, एक तो आज पहला दिन, और शायद टेंशन या खुशी में आज सुबह वो नाश्ता भी नहीं करके गया. तो आते ही मामा बहुत भूख लगी है, तो फिर मैंने जल्दी आलू तो पहले ही बॉयल करने रख दिए थे मैंने, और उसमें से मैंने उसको 2-4 आलू दिए, उसने नमक लगा के खा लिए. तो बस जी, इतनी देर में वो सुकून से बैठ गया. और फिर मैं बना रही थी यहाँ पर आलू के पराठे. मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज ना इतने अच्छे बन जाएंगे. बहुत दिनों के बाद मैं बना रही थी, तो बहुत मसाला भी बहुत अच्छा मिक्स हो गया था. कहते हैं ना कि जल्दी के काम ना ख़राब हो जाते हैं, लेकिन आज ख़राब नहीं हुआ था, आज बहुत ही अच्छे बन गए थे. ये कहने की बात नहीं है, वाकई बहुत अच्छे बन गए थे. वैसे तो गांव में भी आलू वाले नान मिल जाते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि नहीं, उस पर ज़्यादा मेरा ख़र्चा हो जाएगा. तकरीबन 50 रुपये का आलू वाला नान आना था. अगर मैं 4 या 5 भी मंगवाती ना, मेरा तकरीबन 200-250 रुपया तो लग ही जाना था. बाकी भी मैंने सब घर वालों के लिए बना के रख लिए थे. आज बारिश की वजह से सबकी छुट्टी थी, और नाश्ता करने के बाद सब लंबी तान के सो गए थे. लेकिन ये मैं वाहिद बंदी थी जिसकी कोई छुट्टी नहीं है, और उसने अपने रूटीन के काम करने ही करने हैं. तो बस जी, बाकी ये सब के लिए भी मैंने यहाँ पर पराठे बना के रख लिए थे. जैसे जैसे उठते जाएंगे तो खाते जाएंगे, लेकिन वो तो ऐसे ही लंबी तान के सोए. तकरीबन 3-4 बजे वह सो के उठे, और 3-4 बजे जो मैं शाम की चाय बनाती हूँ ना, वो बाकी पराठे उन लोगों ने चाय के साथ खाए. चाय के साथ भी बहुत ही मज़े के लग रहे थे. अभी मेरा थोड़ा सा मसाला बच भी गया था, वो मैंने रख दिया था कि दोबारा जब बच्चे कहेंगे ना, तो दोबारा बना दूँगी. गांव में आजकल भी रूटीन है कि बहुत कम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं. अभी भी हमारे गांव में ज़्यादातर लोग लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, और जो असल गांव का मज़ा है ना, वो गांव में जो घरों में लकड़ियों वाले चूल्हे होते हैं, ये तो बिल्कुल एक ना मॉडर्न सा काम हो जाता है. किचन के अंदर गैस पे जो काम किया जाता है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग गाँव में रहते हैं. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो कच्चे किचन, जिनमें से अक्सर धुआं निकल रहा होता है. दूर से देखे ना, तो उनके दरवाज़े के ऊपर से जो धुआं निकल रहा होता है, बहुत अच्छे लगते हैं. हमारे जो नान के घर थे ना, वो भी तकरीबन ऐसे ही थे, और तकरीबन आज भी वो ऐसे ही हैं. तो मुझे ये वाले जो
शहरी घर है ना, ये रहने को तो ठीक है, सफाई भी हो जाती है, लेकिन मुझे ज़्यादातर वो कच्चे घर, कच्चे किचन जिनमें से धुआं निकल रहा हो अक्सर ही आँखों में पड़ जाता है। जब धुआं तो बहुत ही अच्छा लगता है, अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए भी लेके आ गई थी पराठा, तो बाकी अभी घर के सारे काम क्यों होंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाती थी, मौसम अभी भी बारिश वाला ही है, तो बस मैंने अपने लिए पराठा बनाया। लाइट शायद आ चुकी थी, आज बहुत ही कम देर के लिए लाइट गई थी, वरना तो अक्सर जिस दिन बारिश आए ना तकरीबन सारा दिन ही लाइट बंद रहती है, लेकिन आज थोड़ी देर जाने के बाद ना आ गई थी लाइट। तो यहाँ पर मैं अपने लिए लेके आ गई थी पराठा, और इसमें दोबारा आसम साहब ने हिस्सा डाल दिया था। ये मेरी थी आज की छोटी सी वीडियो, जो दोपहर की रूटीन आलू के पराठे पर मैंने बनाई। उम्मीद और जी, अगर आपको मेरी ये वाला आज छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें, आबाद रहें।